सत्यानाश तो मम्मी जी उस सूर्या का करने जा रही हूँ मैं। बस अब आप देखते जाओ कैसे मैं उस वीर जी के घर से उस लड़की को दुखी करके आती हूँ। जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, बस उसे ना कोई दुख ना पहुँचे, कोई टेंशन ना हो, बस ये ख्याल रखना। नजर रखना अपने को। ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे तो शक है कि वो सोहेल भाईजान की बीवी हो ही नहीं सकती। भाभी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखेंगी। प्रॉमिस। ये हुई ना बात। हाय हाय, थैंक यू आपने कॉल किया। देखो तो इस लड़की के तेवर। बेबे तेवर क्यों नहीं होंगे बुआ? बापूजी ने सर पे जो चढ़ा रखा है इसे। वीर जी को क्या कहूं, वीर जी का तो। पर आप सब लोगों को क्या हो गया? अरे मैं कहती हूँ धक्के देकर निकालो इसे अभी। नीत इस तरह नहीं हो सकता। भले मेरी और उनकी आपस में बात नहीं होती पर मैं उनके फैसले को बदल तो नहीं सकती ना। अरे वाह पड़ जाए जी। और बेचारे मेरे शेरा का चेहरा तो देखो, उस मुई का सारा दिन रात दिन सारा चेहरा देखते देखते इसका क्या? इसके लिए कुछ नहीं सोचा आपने? मेरे बुआ तुम जानती नहीं हो, इसको जब देखता हूँ ना यहाँ घर में तो खून खोल उठता है मेरा। सारा खून घर में खोला खला के जला लेगा तो चुनाव में क्या करेगा? अरे बुआ चुनाव होने तो दो, फिर देखना इसकी चोटी पकड़ के इसे बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। शांत अगर वीर जी ने सुन लिया ना तो फिर से नया तमाशा शुरू हो जाएगा। जो कि हुजूर साहब गया हुआ है। फिर से आपने? सॉरी वो आदत से मजबूर हूं ना। लेकिन बताए मैंने आप तुमको ही कॉल करने वाली थी। गुड, वैसे मैं यहां आया था, वो प्रेस मटेरियल रेडी किया तुमने? पता मैं कल रात को सोच ही रही थी लेकिन शेरा भैया ने ना इमरित भाभी को मेरी वजह से इतना उल्टा सीधा बोल दिया, इतना रोना धोना हो गया कि मेरा मूड ही खराब हो गया। अभी तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? हाँ लेकिन जोगी अंकल की बात कौन टाल सकता है। प्लीज ऐसे अंडरस्टैंड करते रहना गुलजीत, क्योंकि एक ना एक दिन यही अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। कुछ कहा तुमने? नहीं वो मैं सोच रही थी कि प्रेस को क्या आर्टिकल सबमिट करें। एक काम करते हैं, तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ और बाद में डिस्कस करके एक आर्टिकल तैयार कर लेंगे। और हाँ ये ध्यान रखना कि शेरा भाई की बुराई नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को आर्टिकल इस तरह से तैयार करना है कि शेरा की बुराई किए बिना हमारे लिए एक रास्ता निकल जाए। लेकिन अच्छा कुलजीत क्या हम राम अंकल के घर बैठ के कुछ सोच सकते हैं, मतलब कुछ डिस्कस कर सकते हैं? सॉरी यार मुझे तो दुकान पे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं फिर रहने देते हैं,
मैं अपने रूम में बैठ के ही कुछ सोच लूंगी। क्या पता प्रीत की फोटो देखकर ही कुछ मोटिवेशनल थॉट मिल जाए। प्रीत कैसी है अभी? सेम। हे आई एम सॉरी कुलजीत, डोंट वरी, मैं ना प्रीत के दुश्मनों को छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना भी नहीं चाहिए। पता है पूरे गांव को पता चल चुका है कि प्रीत की इस हालत के पीछे उसका अपना सगा भाई है। और गांव ये भी जानता है कि जो अपनी बहन का सगा नहीं हुआ वो उन लोगों का सगा कैसे हो सकता है। कुलजीत, नाइस लाइंस, मैं इसके ऊपर लिख सकती हूँ। जो भाई अपनी बहन का नहीं हो सका वो गांव वालों का क्या होगा। मैं इसी पे लिखती हूँ और फिर तुमको भेजूंगी। मुझे बताना कि मैं ठीक लिख रही हूँ कि नहीं। ओके कूल। लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे ना। शेरा का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। प्रीत तो उसकी सगी बहन थी, मैं तो फिर भी पराई हूँ। सूर्या, मैं प्रीत को शेरा के पंजों से नहीं बचा सका, लेकिन आई प्रॉमिस यू मेरे रहते शेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे बेबे, वो आपने तेल जो मंगवाया था ना, वो मैं आज अपने साथ ले आई हूँ। यही है ना वो तेल? हाँ हाँ नीत, यही वाला। बड़ा आराम मिलता है मेरे घुटने को इससे। सुंदर हो गई है, चेहरा तो देखो कैसे चमक रहा है। अरे तू लड़की जनेगी। वो सही कह रही ना बेबे, वो कौन सी कहावत है कि औरत के पेट में लड़का उसका मुंह लटका। औरत के पेट में लड़की उसका चेहरा खिलता। सही कह रही हो ना बेबे? हाँ ठीक कह रही है तू। इसके पेट में भी जब शेरा था ना तो देखा नहीं था कैसी निढाल से घूमती रहती थी। चल, मैंने कहा। शेरा, शेरा की कर रहा है तू? ओ गलत सुना। अरे बेबे क्यों परेशान हो रही है? अरे पति पत्नी आपस में बात करने गए होंगे, इसमें मेरी क्या गलती। अब देखो फिर से ना शुरू हो जाना। हाँ मुझे चाय पीने दे। चल चल, मैं कहता हूँ चल। शेरा निमृत भाभी को जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहा है सूर्या? Why are you doing that? अरे चल बैठना, कहीं लेके जा रहा हूँ तुझे। साक्षी तुम्हें थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चलना होगा। अमान को तुम पे शक हो गया है, इसे तुम्हें और मौके नहीं देने वरना तुम्हारे मिशन के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ज्यादा हो रहा है क्या जी? मैं साफ करती हूं। अम्मी आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ करी? मैं कर लूंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, वैसे भी ये तो हमारा रोज का काम है। रोज का काम? हाँ, अपना अमान हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं चोट लगा कर आ जाता है, उसकी मलम पट्टी भी मुझे ही करनी पड़ती है। सोहेल भी तो यही करता था, जब भी उसको खेल में चोट लग जाती थी खुद ही आकर चुपचाप मरहम पट्टी कर देता था, किसी को बताता भी नहीं था। पर मैं तो माँ से कुछ नहीं छुपता, सब जान जाती थी। जब तक मालूम नहीं कर लेती थी कि उसको चोट कहाँ लगी, मेरी रूह को चैन नहीं आता था। फिर तो वो डांटना, समझाना, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता। तो उसे इराक जाने से भी मना किया था। अब हो गई तुम्हारी मरम पट्टी। बोलो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? ज्यादा हो रहा है? नहीं अम्मी, दर्द वहां ज्यादा नहीं, दर्द यहां ज्यादा है। आराम से। आपको ऐसे पट्टी करते देख मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई। अरे हम है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी अम्मी, हम सब है। फिर क्यों? बेटा अल्लाह ने अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीने तो हमसे हमारा सोहेल, और क्या पता तकदीर में हमारा एक दूसरे का सहारा बनना ही लिखा था। तुम यतीम थी लेकिन अब नहीं, हमारी बेटी आयशा है, आयशा ना? बिल्कुल सही फरमाया बेगम आपने। आ गए आप? ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है आयशा। हमसे जो बन सकेगा इसकी खुशियों के लिए हम करेंगे। शुक्रिया अब्बू भी और शुक्रिया भी, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ये तरकारियां ले आया मैं, लो। और गोश्त? अरे गोश्त भी है इसमें। बेटा आज मैं तुम्हें अपने हाथ से कबाब बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा हाँ, पुदीने और धनिये की चटनी जरूर बनाइएगा। क्या आप भी, आज तक कभी भूली हूँ क्या मैं? हाँ हाँ भाई, मैं ऐसे ही कह दिया मैंने। अम्मी लाइए, चलिए मैं आपको बनाने में मदद करती हूँ। बेटा तुम आराम करो, और वैसे भी मैं कबाब अभी नहीं शाम में बनाऊंगी, आप इंतजार कीजिए। ये लीजिए, मैंने तो सोचा था कि आज हमारी दावत होगी, कबाब शबाब खाएंगे हैं, और आप? अब वो मैं बना देती हूँ। अरे मेरी बेटी बनाएगी? हाँ बेटी मैं जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा बेटी। अरे कुछ नहीं मिलेगा आपको, शाम तक इंतजार कीजिए, कबाब शाम में ही बनेंगे, समझे? ये तो बस।
बेटी दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास चले। इंश्योरेंस पॉलिसी साक्षी के नाम पे 50 लाख। हे भगवान, इतनी बड़ी पॉलिसी। हेलो सर, कोई शेरा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। शेरा? ठीक है, उसे अंदर भेज दो। चल जी। अब क्या कर रहे हो आप? इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, तभी आए हैं आपके पास। ये मेरी बीवी है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। सोनोग्राफी कीजिए आप इसकी। आप जानते हैं ये क्राइम है? पता है। आप कीमत बोलिए डॉक्टर साहब। मैं कोई कसाई नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो फिर फीस बोल दीजिए, आप जितना पैसा कहेंगे सब दूंगा मैं। बस ये काम करवा दो आप। देखिए, हमारे पास इस तरह के काम नहीं होते। आप सीधी तरह यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूँ? पुलिस? डॉक्टर साहब, इस शहर का DIG जो है ना, वो मेरा ससुर है, समझे? अरे आप प्रधानमंत्री के बेटे भी होते ना, तो भी मैं ये गलत काम नहीं करता। जन्म से पहले बच्चे का जेंडर चेक करना एक कानूनी अपराध है। आपको शर्म आनी चाहिए, DIG के दामाद होने के बाद भी आप कानून तोड़ने की बात करते हैं। आई एम श्योर उन्हें भी पता चलेगा तो वो भी। आप जाते हैं सीधी तरह या मैं पुलिस को फोन करूं? तुझे मैं बाद में देखूंगा, चल। समझ में नहीं आता, आज के टाइम में भी इन जैसे घटिया लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अरे सब लड़कियां पैदा करना बंद कर देंगे तो इन जैसे निकम्मों की शादी कैसे होगी? इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राम राम काका। राम राम बेटा। ये आपका कुरियर आया है। दिल्ली से पोस्ट हुआ है। यस। इंश्योरेंस पॉलिसी साक्षी के नाम पे 50 लाख। हे भगवान, इतनी बड़ी पॉलिसी, नॉमिनी में मेरा नाम है। साक्षी ने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साक्षी का फोन नहीं लग रहा। इस घर में अब लड़की तो पैदा नहीं होगी। आप कुछ भी करके पता लगाइए, नहीं तो मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। बस से कहो कि अपना अबॉर्शन करवा ले। ये कैसी बातें कर रहा है तू शेरा? होश में तो है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शेरा, इतने बरसों के बाद हमारे दरवाजे पे खुशियों ने दस्तक दी है और तू अबॉर्शन क्यों करवाना चाहता है?
क्योंकि मुझे लड़की नहीं चाहिए। अगर इसकी कोख से कुछ पैदा होगा तो लड़का होगा। पागल हो गया तू? लड़के लड़की में फर्क क्या होता है? क्या मैं लड़की नहीं हूं? तेरी माँ लड़की नहीं है, तेरी बुआ लड़की नहीं है। मैंने जोगी को जन्म दिया, इसने तुझे जन्म दिया। बेटी बेटी में फर्क क्या होता है? अगर मेरे दादाजी ने मुझे मार दिया होता तो आज तेरा कोई वजूद नहीं होता। शेरा, कोई वजूद नहीं होता। पागल हो गया तू? मैं वो कुछ नहीं जानता। अगर होगा इसकी कोख से तो लड़का होगा। मुझे लड़का चाहिए बस। उत्तर ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लड़का या लड़की। जो भी होगा ऊपर वाले की मेहर होगी हमारे ऊपर। पर इसे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे पहली लड़की नहीं चाहिए थी। पागल हो गया तू? कैसी बातें कर रहा है शेरा? क्या ये अपनी मर्जी से लड़की को जन्म देगी? इसके हाथ में है क्या? बेबे, मैं कुछ नहीं जानता। इस घर में अब लड़की तो पैदा नहीं होगी। आप कुछ भी करके पता लगाइए, नहीं तो मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। बस ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके होने वाले बच्चे पे हमारा भी कोई हक है। तो मैं उसका बाप हूं। अरे तो बाप बनना, कसाई क्यों बन रहा है? आप लोगों के पास 24 घंटे हैं। पता लगा लो लड़का है या लड़की, नहीं तो मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। पागल ही हो गए। बेबे, मम्मी जी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे मुझे मार ही क्यों ना डाले। कभी ऐसा कुछ नहीं होने। शेरा का तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कहां से इसके दिमाग में ये सदक बैठ गई। मैं समझाऊंगी उसे। मम्मी जी, बेबे, अगर अगर इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, उसको कुछ हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगी बेबे। ना, बच्चे को मैं जानू बेबे। तो फिक्र ना कर पुत्र, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मैं चिंता ना कर, कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जी पुत्र, कोई जरूरत नहीं। चीफ को भेजती हूँ तो हो सकता है कि मुझे इस मिशन से हटा दिया जाए। शायद वो ये समझे कि मैं इसके काबिल नहीं। सूर्य को फोन करो ना। नहीं अकरम, आई डाउट कि उसने सूर्य को कुछ बताया होगा, और वैसे भी वो और सूर्य इतने क्लोज नहीं। सुबह शेरा भैया आपको घसीटते हुए लेकर गए थे, क्या बात है भाभी? कहीं कहीं वो डाइवोर्स तो लास्ट टाइम मेरी बात तब हुई थी जब मैं फॉर्म फिल करने गई थी और कह रही थी कि किसी इंटरव्यू में थी। हाँ तो कुछ कहा उसने? तू यही चाहता है ना कि निमृत का बच्चा ना, तो बच्चा नहीं होगा। साक्षी सिंह की किसी भी नाम की लड़की ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया। क्या